सर मैं थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज्ड बिजनेसमैन हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आदमी हूँ, फेडरेशन चैम्बर्स एसोसिएशंस 35 साल 40 साल से वहाँ मैं हूँ, फैक्ट्री भी चलाता हूँ और आज तक जो है वो मैं कंफ्यूज हूँ और आज भी मैं कंफ्यूज हूँ। बहुत सामने की रामी बात यह है कि कुछ चीज़ों की मैं वजाहत चाहता हूँ क्योंकि मैं बैठा हूँ 6 साल सेनेट में, तो मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा भी है, तो ज़्यादा उसकी रोशनी में ही बात करूँगा। अतः मैं आपका दस्तूर जो है पाकिस्तान का, बहुत बातें करते हैं, 38F वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जी रियासत इस बात को यकीनी बनाए कि जितनी जल्द मुमकिन हो रिबा का खात्मा कर दिया जाए, ये आपका कानून है। अच्छा, अब रिबा, और मैंने बड़ी माजत के साथ कि इतना मैंने सुन लिया है रिबा के मुताल्लिक कि ये रिबा सूद है या नहीं है, यानी रिबा का तर्जुमा नहीं कर रहे। रिबा एक अरबी लफ्ज़ है, अगर उसका तर्जुमा उर्दू में, हम जिंदगी जब इतने छोटे से थे जब से सूद सुन रहे हैं, और उसमें जो है वो उसकी वजाहत के लिए कि रिबा सूद है, हुकूमतें खेल रही हैं, वफाकी शरी अदालत खेल रही है। क्यों खेल रही है? क्या मैं आपको ये बताऊँगा, आपको सबसे दर्दनाक पहलू कि वफाकी शरी अदालत ने, वफाकी शरी अदालत ने, जनाब मैं आपसे मुखातिब हूँ क्योंकि मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि मैं क्या करूँ, कारोबार बंद कर दूँ, दवाएं बनाता हूँ, फैक्ट्री बंद कर देता हूँ, अब लाख लोग मरते हैं तो मर जाएं, पर लमिया जाने, क्योंकि मैं तो सूद से नहीं लूँगा, क्योंकि सूद से लूँगा तो वलीमा से जंग हो जाए भाई। यानी वफाकी शरी अदालत ने 14 नवंबर 1991, 30 साल भाई के 32 साल पहले, ये हुक्म दिया कि सूद जो है वो रिबा के ज़िम्मे में आता है। अब अल्फाज देखिएगा आप, देखिए हम लोग लगते थे हम लोग कोई कोई बच्चे हैं अपने प्राइमरी के, ये हुक्म दिया है शरिया अदालत ने कि जी रिबा जो है, सूद जो है वो रिबा के ज़िम्मे में आता है, फिर यह बहस चली। अब हर महफिल में ये तय किया जा रहा है कि रिबा जो है वो सूद है या नहीं है, ये मसला है हमारा, हम इसको तय कर रहे हैं। अच्छा, और 2018 में तो समझ लीजिए कि आपने 27 साल के बाद शरी अदालत में भी ये तय हो रहा था, और शरी अदालत के अंदर बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हुए हैं, शरी अदालत है, बस आप समझ लीजिए आप उसमें सब लोग वो उलमाए किराम ही होंगे। उन्होंने 18 साल के बाद ये फरमाया, दो लाइन लिख के भेज दिया कि ये मामला जो है ये कानून साजी इसमें करने की ज़रूरत है, लिहाजा इसको उन्होंने रेफ़र कर दिया पार्लियामेंट को 28 साल के बाद, माशाल्लाह। और अभी आपने देखिए अभी हाल में क्या हुआ कि 28 अप्रैल 2022, अभी की बात है, 28 अप्रैल 2022 को क्या फैसला दिया, कानूनी तौर पे 2002 से सर आपका इस्लामिक बैंक चल रहा है 2002 से ही, तो इन्होंने 21 अप्रैल 2022 को यह फैसला दे दिया कि रिबा सूद है, अब दिया है, बहस चलिए 30-32 साल, 28 अप्रैल को दे दिया है कि रिबा सूद है। अच्छा, मैं क्या करूं? मेरी फैक्ट्री 1000 मुलाजिम अल्हम्दुलिल्लाह हैं, आज मेरे पास दवाएं बनाता हूं, और मेरी दवा ऐसी होती है कि जो एक दवा मेरी ऐसी है अगर वो ना बनाऊं, अगर शॉर्ट हो जाए किसी वजह से, आजकल शॉर्ट है, तो ऑपरेशन किसी अस्पताल में नहीं होते, इसकी आप भी शाहिद हैं और तमाम अस्पताल शाहिद हैं कि ये कहते हैं यार एक बोतल ला दो, क्योंकि ऑपरेशन इम्पॉर्टेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो मैं कहीं से जाके अपनी दवाएं में देके आता हूँ। क्यों? कि LC नहीं खुल रही। LC क्यों नहीं खुल रही? कि बैंक, स्टेट बैंक जो है, मेरी LC मेरे पैसे पड़े हैं, तो डॉलर निकालो और भेजो, उनके पास डॉलर नहीं है, तो वो जो मैंने माल ला के बना के मैंने बेच दिया था जैसे ऑपरेशन हो रहे थे, अब मेरे पैसे पड़े हैं लेकिन उसको कन्वर्ट करके डॉलर नहीं भेज रहे, फिर वो फिस्कल डेफिसिट, पता नहीं क्या क्या कहानी है,
देखिए मैं वो आदमी हूँ कि जो कि रिप्रेजेंट करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, तो मुझे आपको थोड़ा सा सुनना ही पड़ेगा और थोड़ी माजत के साथ, कोई अल्फाजात से मेरी आवाज़ भी अगर ऊँची हो तो उसकी माजत पहले मैं कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मतलब होता है मईशत के ठेकेदार। तो अब ये देखिए, अच्छा इस दौरान में हम लड़ते रहे कि रिबा सूद है या नहीं है, हम लड़ते रहे। और अमरीका बहादुर हम पे जनरल साहब बैठे हुए हैं, के सामने मैं कह रहा हूँ कि अमरीका की या किसी भी दुनिया के किसी मुल्क की भी मुशरकों की किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान पे हमला करने की, सोच भी नहीं सकते ख्वाब में भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज वो है, हम एटॉमिक एनर्जी हैं, लेकिन मईशत को बर्बाद करने में अमेरिका ने पहल कर दी, क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता है, हमसे लड़ नहीं सकता लेकिन हमारी मईशत को बर्बाद करके यहाँ तक पहुँचा दिया। हम अभी लड़ना है रुबा के ऊपर ही, और हमको लड़ यहाँ तक पहुँचा दिया कि हमारी जो है बच्चों गरीब की रोटी और 2 करोड़ 22 लाख ये सारे जितने भी सरमायेदार हैं सभी जाएंगे। ये रिबा में झगड़ा हो नहीं हो अल्लाह मियाँ कर नहीं हो, लेकिन मुझे यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है जो कुरान में ना लिखा हुआ है, अगर 2 करोड़ 28 लाख बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो सारे सरमायेदार जो हैं उसके जवाबदेह होंगे और उल्टे लटके होंगे, उनकी नमाजें भी उनके काम नहीं आएंगी। 2 करोड़ 28 लाख बच्चे ने स्कूल नहीं देखा है, इंडस्ट्री चल नहीं रही, जरा सी कोई बात होती है IMF कर्जा देना बंद कर देता है, हमारे यहाँ लाले पड़ जाते हैं कि अब तो रोटी कैसे मिलेगी। फिर अमेरिका को हम खुश करने के लिए कुछ करते हैं, देखिए हम लोग क्या कर क्या रहे हैं। मैं सिर्फ मेरा सवाल सिर्फ यह मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि एज़ाज़ान टुडे मैं अपनी कारोबार का चेयरमैन हूँ, कोरंगी में मेरी फैक्ट्री है फार्मास्यूटिकल की, 3 ममालिक को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी क्वालिटी जो है अनबेस्ड है, वरना मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये वो कंपनी है, और मैं जो है वो कमर्शियल बैंक से भी लेता हूँ पैसे, क्योंकि मशीनरी ख़रीदता हूँ उससे कमाता हूँ और उससे सूद अदा करता हूँ। मैं इस्लामी बैंक के अंदर भी हूँ, मैं अपना तमाम इस्लामी बैंकों में मेरा अकाउंट है क्योंकि ज़ाहिर है उसमें, और उनसे भी मैं पैसे लेता हूँ। वो कहते हैं कि हम आपको दे रहे हैं पैसे उधार और फिर आपसे ले लेंगे, आपसे सूद नहीं ले रहे, और मैं उनको बगैर किसी उसके अंदर से दर्द मेरा दिल कहता है मैं उनको सूद देता हूँ और 1% ज़्यादा देता हूँ उनको मैं कमर्शियल सूद से। क्या मजाक है, कौन बताएगा मुझे? आपने मुझे नहीं बताया, मुझे आयत ही नहीं, आयतों की तर्जुमा नहीं बताई है। आप भाई आयत पढ़िए, मैं तर्जुमा पूरे कुरान का बता देता हूँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह, फराम अलिफ वलाम से लेकर वन्नास तक, ये कुरान का ये मतलब क्या हुआ आयत का। आयत का मतलब मुझे नहीं चाहिए कि रिबा हमारा में तिजारत हलाल है और ये और ये और ये वो तो मुझे पता है भाई। शरीर में करूँ क्या, कहाँ जाऊँ? ठीक है कमर्शियल बैंक सूद है, चले मैं वहाँ चला जाता हूँ, लेकिन मुझे बताते तो भाई, इतना जाहिल नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना दिया हुआ है कि मेरे पास 1000 आदमी काम करते हैं, कुछ तो अकल दी होगी, तो मैं क्या इतना नहीं समझ सकता कि मुझे कोई ये समझा दे कि भाई जो मैं पैसे दे रहा हूँ इस्लामी बैंकों को 1% ज़्यादा मार्कअप का, वो किस अकाउंट में दे रहा हूँ? फिर मैं अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करूँ कि जी मैंने जो है वो सूद नहीं दिया है बल्कि मैंने तो वो मुनाफा दिया है। कागजात में आप उल्टा पुल्टा करके तिजारत करके डॉक्यूमेंट बना के उसको यूँ करके उसको यूँ करके कर लें तो मैं सेटिस्फाई कैसे हूँगा? अल्लामिया को धोखा दे रहा हूँ क्या? फिर मैं सूद देर अभी बात की थी, बिल्कुल सही है। ये सूद का जो सबसे बड़ी लानत थी जो आई थी वो क्या थी? वो रुबा जो था वो कैसे आया था कि मदीने के अंदर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर मैं एक महाजिन बैठा होता था जिसके पास सरमाया होता था, उसके पास 2-3 लोग होते थे जो जाके लोगों को तरकीब देते थे पैसे लेने के लिए, एक मुंशी होता था जिस पर वो खत लिखता था उसका अकाउंट का भी कितने पैसे दिए और क्या दिए, और 2 होते थे उसके पास हफ्शी 6 फिट वाले जो होते थे पैसे वसूल करने के लिए। ये टोटल 7 आदमियों का कुनबा होता था हर सूदे कारोबार में, मदीने में भी और तमाम और बताम से पहले भी था। अब वही 7 आदमी जो हैं
वो बन गए हैं बैंक, और बैंक का अपना इंतजाम है प्रेसिडेंट से लेके और नीचे अपने गार्ड तक। तो ये जो लिखने वाला और जो समझने वाला, जो आपने हदीस में जो कोट की थी अभी, तो वो लिखने वाले और करने वाले वो सब मौजूद हैं, लेकिन उनका नाम जब जो है वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, ये इस्लामी फैसल बैंक, अब उनके नाम ये हो गए। वो महाजिन था, उसका नाम कुछ नहीं होता था, अपने नाम से वो तख्ती लगा लेता था और एक छोटा सा केबिन होता था, 7 आदमी बैठते थे। तो मैं सिर्फ ये, और अभी आज आपने आप सही फरमाया, क्योंकि मेरा वहीं पर है कि आज जो है वहाँ पर हुरमत सूद, उस पर बात हो रही है मेरे फेडरेशन में। मुझे वहाँ जाना था और ज़रूर जाना था, लेकिन मैंने समझा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक मुफ्ती साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मैं कहा भाई जो बातें हम सब मिलके करेंगे तो मैं उनसे सुन लूँगा। मैं वहाँ नहीं गया। वहाँ पर जनाब जो है वो तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम वहाँ मौजूद हैं, तमाम मकातिब के वहाँ पर मरकज़ी क़यादत है, दीनी क़यादत वहाँ पर मौजूद है, मालियाती इदारों के सरबराह वो फेडरेशन में मौजूद हैं। मैं फेडरेशन में 35 साल का आदमी का नुमाइंदा हूँ, एक मेरी कोई मीटिंग मेरे बगैर होती नहीं, आप उसके गवाह हैं कि मैं एक बड़ा फाल मेम्बर हूँ। जामा मुफ्ती नईम साहब, अच्छा मुफ्ती बड़े माजक साहब के, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब पढ़ी है आपने? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब पढ़ी है आपने? जी जी, जो इस पर लिखी है। जी जी अलहमदिल्ला, मैंने उनसे बहरास पढ़ा भी है और जी बस सारी किताबें पढ़ी हैं। पढ़ी भी नहीं, ये वाली किताब पढ़ी। जी जी, मैंने पढ़ी उसको, मेरी उर्दू भी ठीक है माशाल्लाह, और लोगों से मशवरा भी किया। मुझे उस किताब को पढ़ के मुझे नहीं, मेरा जहन मुतमईन हुआ कि मैं इस्लामी बैंक से कर्जा लूँ तो वो सूद, मैं जो पैसे दूंगा वो सूद में नहीं आएगा। जो उन्होंने जब जो दिया है वो इतना मुबम है कि मुझे एतराज़ है। और मैं मुफ्ती मोहम्मद उस्मान, अगर मेहमान जाता तो नहीं जाने की वजह ये भी थी कि मैं तकी उस्मान साहब से ही वहाँ का कोई बात कहता तो वहाँ इतने लोग बैठे थे, मैंने नहीं कहा, क्योंकि वहाँ पर जो है अपना मौलाना फतुल रहमान साहब आए हुए हैं, जिनको मैं फतलू कहता हूँ, अपना इसहाक डार भी आए हुए हैं, गवर्नर सिंध आए हुए हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो भी आए हुए हैं। ये इतनी बड़ी इज्तम थी वहाँ, जो अभी ख़त्म हुई है 3 बजे, उन्होंने क्या फैसला किया होगा मैं आपको अभी बता दूँ कि इस्लामी बैंक में जो सूद है वो हलाल है, और अगर वही पैसे आप लेंगे अपने कमर्शियल बैंक से तो वो आराम है। मैं अभी तक कन्फ्यूज़ रहूँगा, वैसे ही रहूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।